Broke my house, जोशी ब्रोक माई हाउस जोशी बर्ट माई हाउस आई लॉस्ट माई फिंगर बिकॉज ऑफ फ्लाइंग फ्लाइंगी सौरभ जोशी सौरभ जोशी की वजह से प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी सौरभ जोशी की वजह से लेग चली गई लेग कैंसर हो गया उसके बाद सौरभ जोशी की वजह से कुछ तो करा ही होगा तूने गंजी होना पड़ा तुम्हें तो जेल जाना चाहिए भाई मेरी बात तो सुनो सुनाओ मैं कह रहा हूँ मैंने इतना कुछ कर दिया उसका नाक तोड़ दी मुंह तोड़ दिया गंजा कर दिया ये कर दिया वो कर दिया पैर हाथ तोड़ सब तोड़ दिया मैंने हाँ। बचा क्या उसमें बचा क्या उसमें बताओ कुछ दिन में वो ओम शांति ओम के शाहरुख खान की तरह मुंह में फूल डाल के करके मारे हाँ ठीक है वो कोई जोशी आप जो मर्जी चाहे छीन लीजिए पायल जोन से लेकिन एक चीज आप पायल जोन से कभी भी नहीं छीन पाएंगे और वो चीज पायल जोन को जन्म से मिली हुई है और वो है पायल जोन की हिम्मत इन लोगों ने पूरी प्लानिंग करी थी मेरे को यूट्यूब से बाहर फेंकने की इन्होंने

लोगों को अपने साथ लेके जाएगी अकेले नहीं जाने वाली मैं यहां से समझ आ रही है आपको मेरी बात तो आप लोगों ने जो प्लानिंग करी थी वो बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है और पायल जोन यूट्यूब से नहीं जाने वाली है इन्होंने पूरी प्लानिंग करी थी इन्होंने सोचा कि पायल जोन ऐसे तो यूट्यूब छोड़ नहीं रही है हम लोग इसके खिलाफ वीडियो बनाते हैं इसके बारे में गलत सलत बोलते हैं जिससे कि हमारी ऑडियंस जो काफी सारी है वो भी इसकी वीडियो पे जाकर गंदे गंदे कॉमेंट्स करेगी और वो हार मान के यूट्यूब छोड़ देगी नहीं भाई साहब पायल जोन इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है पायल जोन तो शुरुआत से चीजें झेल रही है जब से मैंने यूट्यूबर्स को एक्सपोज करना शुरू किया तब से मैं चीजें झेल रही हूँ अगर छोड़ना होता है यूट्यूब तो तभी छोड़ देती है लेकिन बायजोन आप जैसे लोगों की वजह से यूट्यूब नहीं छोड़ेगी एक और ऐसा बंदा आया था बहुत टाइम पहले उसका नाम है रोनी करके मैं तो उसको जानती भी नहीं हुई कौन है वो तो भाई अगर आपको अपना बीजेएमआई अकाउंट या पबजी अकाउंट सेल करना है या फिर आपको कोई बीजेएमआई अकाउंट या फिर पबजी अकाउंट बाय करना है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर तो लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस टेलीग्राम चैनल का नाम है लेजिट स्टोर सबसे बड़ी बात की ये लोग इंडिया के फर्स्ट ऐसे सेलर है जो कि फेस कैम के साथ बीजेएम अकाउंट सेल करते हैं तो आप लोग भी कांटेक्ट कर सकते हो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वो आ गया था और कह रहा था कि पायल्जो नीड्स टू डिलीट हर चैनल मैंने तुमसे पूछ के चैनल बनाया था गया जो तुमसे पूछ के डिलीट करूंगी अपना चैनल तुम कौन होते मुझे ऑर्डर देने वाले की पायल्जो अपना चैनल डिलीट कर देना चाहिए उसे तुम कर दो अपना चैनल डिलीट तुम्हारा चैनल डेड हो रखा है मैंने पहले इसको कोई रिप्लाई नहीं किया क्योंकि मैं इसको जानती भी नहीं थी बट अब मेरी नजर में आया है कि काफी बड़ा यूट्यूबर इसको लोग बोलते हैं और इसने मेरे बारे में ऐसा टाइटल लिखा है कि पायलोन को अपना चैनल डिलीट कर देना चाहिए तुम कर दो अपना चैनल डिलीट तुम कोई योगदान नहीं दे रहे हो भारत के लोगों को हंसाने में मैं तो दे रही हूं तो मैं क्यों अपना चैनल डिलीट करूँ एक ही अच्छी लड़की जो यूट्यूब पर है सब लोगों को हजार एम ये वो 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 भी 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 चली जाए भैया छोड़ दे नाटी के पे पे क्योंकि किसी के चेहरे स्माइल तो आनी नहीं चाहिए किसी को हंसी नहीं आनी चाहिए भारत में ये लोग ऐसा चाहते हैं लेकिन गाइज मैंने जिम्मेदारी ली हुई है सबको हंसाने की तो मैं हंसाती रहूंगी चाहे मेरे बारे में कुछ भी बोला जाए और मैं तुरंत एक वीडियो लाने वाली हूँ कि ट्रिकट इंसान मेरे घर में बाढ़ लेके आ गए फिर देखते हैं ट्रिकेट इंसान मेरे बारे में क्या बोलते हैं कि मैंने इनके ऊपर क्रिमिनल एलिगेशन लगा दिया है कुछ भी बोलते हैं ये बिना सर पैर की बातें मैं इनके बारे में ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती वैसे ट्रिगड़ इंसान आपने अपने चैनल पे मुझे पागल बोला और बीमारी बोला ठीक है मैं मान रही हूँ कि मैं पागल भी हूँ और मैं एक बहुत बड़ी बीमारी भी हूँ मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर रही हूँ लेकिन मैं आज की इस वीडियो में जो आपको चैलेंज करने वाली हूँ आप वो आप एक्सेप्ट कर पाएंगे मेरे चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए लेकिन मुझे लगता नहीं आपके पास हिम्मत का भी है तो आप मेरा चैनल एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे लेकिन फिर भी मैं आपको चैलेंज करती हूँ यहाँ अपने चैनल पर बैठ के एक पब्लिक प्लेस में मैं आपको चैलेंज करी हूँ एक चीज़ के लिए आपके बारे में मैंने सुना है कि आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं आप अपने चैनल पे बुलाते हैं अपने फ्रेंड्स को आपने बजाज हजन को अपने चैनल पे बुलाया उनके साथ वीडियो बनाई मीम रिव्यू वाली आप कलका लौंडा के चैनल पे गए और उसके साथ वीडियो बनाई आपने क्या आप मेरे साथ कभी को कर सकते हैं क्या आप मेरे साथ मिलके कभी वीडियो बना सकते हैं मैं ये नहीं बोल रही आप मेरे साथ मीम रिव्यू करें मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ आप मेरे साथ वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं इतनी क्षमता है आपके अंदर आप मुझे बताइए इतनी हिम्मत है आपके अंदर कि आप मेरे साथ आगे वन टू वन इंटरेक्शन करें मुझे नहीं लगता क्योंकि गाइस अगर ये ट्रिगर्ड इंसान मेरे सामने आ गए और अगर हम दोनों ने साथ में मिलकर कोलैब कर लिया चाहे ये मेरे चैनल पे आ गए चाहे मैं इनके चैनल पे चली गई तो इनकी जो ऑडियंस है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार देने लगेगी कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी बातें बोलने लगेगी काफ़ी मुझे रिस्पेक्ट करेगी कि भाई इसने ट्रिगर्ड इंसान के साथ कोलैब कर लिया है ठीक है लेकिन ट्रिगर्ड इंसान ऐसा कतई नहीं चाहते कि मुझे थोड़ा सा प्यार और रिस्पेक्ट मिल जाए ऐसा ट्रिगर्ड इंसान नहीं चाहते हैं ट्रिगर्ड इंसान सिर्फ यही चाहते हैं कि पायज उनको हेट मिले पायज उनको डिसरिस्पेक्ट किया जाए तरह तरह की बातें बोली जाए उसके बारे में ये चाहते हैं ट्रिगर्ड इंसान इसलिए ये मेरा चैलेंज कतई एक्सेप्ट नहीं करेंगे मैं इनको खुलाआम चैलेंज करी हूं कि मेरे साथ करो आप वन टू वन इंटरेक्शन चाहे आप वन टू वन चैट करो मेरे साथ मेरे चैनल पर लाइव आके आपके चैनल पर कहीं पर भी लेकिन आप मेरे साथ कलैप करके दिखाओ तब आपको पता चलेगा ठीक है आपको जो भी बातें मेरे से पूछनी है मेरे से जो भी शिकायतें हैं आप उस वीडियो में कहना लेकिन आप फेस टू फेस तो आओ मेरे सामने लेकिन आप नहीं आ सकते आप तो अकेले भी मेरे खिलाफ वीडियो नहीं बना सकते अगर आपको अकेले वीडियो बनाने का इतना आपके पास हिम्मत होता तो आप तभी वीडियो बना देते जब आपने मेरे अगेंस्ट ट्वीट किया था काफी महीनों पहले लेकिन आप नहीं कर सकते अकेले कुछ भी ना सौरभ जोशी अकेले कुछ कर सकते हैं ना ट्रिगर इंसान अकेले कुछ कर सकते हैं एक मैं ही हूँ एक मैं ही हूँ जो अकेले कुछ कर सकती हूँ और अकेले आके मैं दोबारा आपको चैलेंज कर रही हूँ अगर आपके अंदर थोड़ी भी हिम्मत है तो मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो ठीक है और मुझे आप मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं चाहे इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं कि चैलेंज एक्सेप्टेड फिर हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं ठीक है क्योंकि यार दूसरों के बारे में चुगली करना और दूसरे के बारे में एक चेयर पे बैठ के वीडियोस बनाना और उसको बोलना कि पायल पैरलोन सबके ऊपर क्रिमिनल एलिगेशन लगाती है वो बहुत आसान है बट आप आके मेरे साथ बातचीत करिए और फिर मेरे से जानिए कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ क्यों मैं सब लोगों को हंसाने का मैंने जिम्मेदारी लिया हुआ है इस तरीके का आप मेरे से बातचीत करके तो देखिए आप एक बार सच जान के तो देखिए आप एक बार थोड़ा सा यार बोलते हैं ना इनिशिएटिव तो लीजिए बातचीत करने का इन्होंने कोई दोस्तों इनको इंटरेस्ट नहीं है पैरलोन से बात करने में इनको कोई मतलब नहीं है पायलोन से इनको पायल्स की चुगली करने में बहुत मजा आता है इनको पायल्स के खिलाफ दो चार बातें बोलकर बहुत अच्छा लगता है तो ये वही करते रहते हैं अपने चैनल पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन रिगर्ड इंसान आप मेरी बात समझ लीजिए कि पायल जोन यूट्यूब से नहीं जाएगी आपकी पूरी प्लानिंग थी ना मेरे को बाहर फेंकने की तो आप एकदम आपका प्लान फ्लॉप हो चुका है अब दूसरा प्लान लेकर आइएगा पायल जोन को यूट्यूब से हटाने के लिए क्योंकि अभी तो मैं यूट्यूब से नहीं जा रही हूँ सॉरी और जहाँ तक लोग मेरे को बोल रहे थे कि पायरसून तुम ट्रिगर इंसान की ऑडियंस तुम्हें देखने आ रही है और तुम्हारी ऑडियंस नहीं जा रही है ट्रिगर इंसान के पास तो ये बात बिल्कुल ही गलत है क्योंकि अगर ट्रिगर इंसान के पास खुद की ऑडियंस होती तो उन्होंने जो मीम रिव्यू वाली वीडियो बनाई थी वो वीडियो ट्रेंडिंग पे आती लेकिन वो वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं आई लेकिन जो मेरे ऊपर वीडियो बनाई वो ट्रेंडिंग पे आई नंबर वन पे वो इसलिए क्योंकि मेरे फैंस और मेरी ऑडियंस जाकर ट्रिगर इंसान की वीडियो देख रहे हैं ठीक है ट्रिगर निशान समझ आ गई आपको बात और अगर इतने ही आपके फैंस है तो आपकी मीम रिव्यू वाली वीडियो क्यों नहीं आई ट्रेंडिंग पे आप ज़रा इस चीज़ का मेरे को एक्सप्लेनेशन दे दीजिए मुझे पता है आप ये वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना मैं समझ जाऊंगी कि क्यों नहीं आई वो वीडियो ट्रेंडिंग पे क्योंकि यार आपको मेरे को रोस्ट करके व्यूज लिया आपने सीधा सीधा पता चल रहा है वो चीज आपने डाला होगा हर जगह नाम पायल जोन जिसकी वजह से और कोई पायल जो सर्च कर रहा है तो आपकी वीडियो आ रही है वहां नीचे रिकमेंडेशन में जिसकी वजह से आपको इतने सारे व्यूज मिल रहे हैं तो मेरे खिलाफ जो भी वीडियो बनाता है सबको काफी सारे व्यूज आते हैं और सब व्यूज के लिए मेरे पीछे पड़े रहते हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पायल जोन के दिल पर क्या भी इतनी होगी वैसे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है इन जैसे लोगों से और इनके फैंस जो भी मुझे तरह तरह की बातें बोलते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे पता है मैं कितना अच्छा काम कर रही हूँ मेरे जैसा कोई काम करके तो दिखाओ मेरे जैसे आप गर्मी में बना के तो दिखाओ आपके घर में तो एसी लगा हुआ है आप तो आराम से वीडियो बना लेते हो आपके पास तो बहुत सारा सेटअप है आप आराम से वीडियो बना लेते हो आप मेरे जैसे वीडियो बना के दिखाओ ना मेरे पास तो ट्राई भी नहीं है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपके जैसा लैपटॉप नहीं है मेरे पास मेरे पास रिंग लाइट नहीं है जो कि आपके पास हर चीज है तभी भी आप इतनी खराब वीडियो बनाते हो और मेरे पास कुछ भी नहीं है तभी भी मैं इतनी अच्छी वीडियो बनाती हूँ मेरे पास सिर्फ एक फोन है समझ आ रही है आपको ट्रिगर इंसान तो एक गरीबों के बारे में बोलना बहुत ही आसान होता है कि वो ऐसे वीडियो बनाती है वैसे वीडियो बनाती है ऐसे फोन रखती है ऐसे कैमरा रखती है आपके पास है संसाधन तो आप अच्छी वीडियो बना लो यार आपकी वीडियो में तो बिल्कुल भी हंसी नहीं आती है मेरी वीडियो में चाहे मेरे पास कुछ भी सामान नहीं है मेरे पास ट्राईपॉड नहीं है ठीक है मैं मान रही हूँ मेरे पास आपके जैसा लैपटॉप नहीं है आपके जैसा चेयर नहीं है मेरे पास बताओ यार आपके जैसे गेमिंग चेयर नहीं है मेरे पास कुछ भी नहीं है मेरे रूम में पंखा तक नहीं लगा हुआ है लेकिन उसके बावजूद मैं वीडियो बना रही हूँ अभी तो गर्मी नहीं है बट थोड़ी गर्मियों में आप देखना गए मेरे चेहरे पर साफ साफ पसीना आपको दिखाई देगा लेकिन मैं कभी हार नहीं मानती क्योंकि यार हार मानने की यार मैं ऐसी हुई नहीं कि मैं इतनी जल्दी हिम्मत मेरी टूट जाए और मैं हार मान लूँ नहीं सॉरी मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती आप लोगों जैसी नहीं हूँ मैं क्या करूँ मैं लोग मुझे बोलते कि पायजन को ऐसे ऐसे लोग कमेंट्स करते हैं बट उसके बावजूद वो यूट्यूब नहीं छोड़ रहे क्यों छोड़े पायजोन यूट्यूब पायजन को जरूरत नहीं है किसी के सपोर्ट की यहाँ पे किसी के साथ की जरूरत नहीं है पायजन को अकेले आई थी अकेले जाएगी ठीक है तो मुझे चाहे कोई सपोर्ट करे कमेंट्स में चाहे मुझे सपोर्ट ना करे चाहे सब लोग आकर ट्रिगर्ड इंसान के, के फ्रेंड्स उनको सपोर्ट करें उनके यू नो you know, मदद के लिए वीडियो बनाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं हमेशा से अकेली आई हूँ और हमेशा से अकेली आती रहूंगी जिंदगी भर ठीक है समझ आ गई आपको मेरी बात तो बस इस वीडियो को गाइस मैं यहीं पर एंड करूंगी और ओपन चैलेंज अगर आपको एक्सेप्ट करने की हिम्मत हो ना तो कमेंट कर देना चाहे तो आप मैसेज भी कर सकते हो आपकी मर्जी है सो बस गाइज इस वीडियो में इतना ही थैंक यू सो मच